नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करेंगे मार्च 2022 के राशिफल की। हम बात करेंगे धनु राशि की। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो अभी दबा दें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं व्यापार और नौकरी से। कारोबारियों के लिए इस माह अच्छे संकेत नहीं है, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपको दूसरे और तीसरे सप्ताह में पैसों से संबंधित कोई भी व्यवहार जो आप करते हैं वहां पर सावधानी रखिएगा। बैंक से व्यवहार करते समय सावधानी रखिएगा, लेन देन में सावधानी रखिएगा, अपने किए गए फाइनेंशियल वादों में, जुबानी वादों पर भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी पर भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है, पहले से सचेत रहें और समझदारी से काम करेंगे तो शायद नुकसान नहीं होगा। नौकरी कर रहे लोग ज्यादातर समस्या में नहीं घिरेंगे, लेकिन फिर भी टेंशन बनी रहेगी, काम का बोझ ज्यादा रहेगा, काम की टेंशन रहेगी, कुछ ना कुछ बीच बीच में रोड़े अटकते रहेंगे काम में, नौकरी में तनाव रहेगा, कभी किसी की वजह से, कभी काम की वजह से, कभी खुद की सेहत की वजह से, तो इस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। और आपको ऐसा लग सकता है कि काम ज्यादा है, सैलरी कम है, तो आप नौकरी छोड़ने का भी विचार बना सकते हैं। आप कई जगहों पर नई नौकरी की तलाश में भी आपका मन जुड़ सकता है। करियर के दृष्टिकोण से यह समय आपको बहुत समझदारी से बिताना है। व्यापारियों को पैसों के लेन देन में और नौकरी करने वालों को अपने नौकरी के कार्य क्षेत्र में होने वाली ऊंच नीच या होने वाली गतिविधियों में काम का बोझ ज्यादा होना आपको परेशान जरूर करेगा, इसलिए आप थोड़े से चिंतित जरूर होंगे अपने नौकरी और व्यवसाय में। इस गंभीर समय में आपको अपनी कार्यकुशलता दिखानी होगी, अपने अनुभव का प्रयोग करना होगा। कुछ लोग नौकरी पेशा में अपनी धाक जमाने की कोशिश करेंगे, आपके सीनियर, आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग जिनको सपोर्ट है सभी लोगों का, वो लोग आपके ऊपर धाक जमाएंगे, जबरदस्ती अपना वर्चस्व साबित करने की या काबिल करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आपका प्रदर्शन तीसरे और चौथे सप्ताह में देखा जाए तो फिर बढ़िया रहेगा, आपके तनाव कम हो जाएंगे, आपकी जिम्मेदारियां भी कम हो जाएंगी, प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तीसरे चौथे सप्ताह में आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी और आप कोई अपना उच्च पद भी ऑफिस में पा सकते हैं या नई नौकरी भी आप पा सकते हैं अच्छे ऑफर के साथ में। नई नौकरी की तलाश के लिए तीसरा चौथा सप्ताह बहुत ही बढ़िया होगा, अत्यधिक मजबूत समय है। यदि आप बहुत दिनों से नौकरी में परेशान थे तो तीसरे चौथे सप्ताह में धनु राशि वालों को नौकरी में कोई नई राह दिख जाएगी। कारोबार में पहले से लिए गए फैसलों पर अब लाभ प्राप्त होगा। तीसरे चौथे सप्ताह में आप काम का विस्तार भी कर पाएंगे, विदेशी व्यापार भी कर पाएंगे, विदेशी व्यापार मजबूत होने के योग बन रहे हैं, कामयाबी मिलने के योग बन रहे हैं तीसरे चौथे सप्ताह में। तो 15 दिन सावधानी, 15 दिन में आपकी मन की इच्छाएं कार्य क्षेत्र में पूरी हो जाएंगी। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं वो लोग तीसरे चौथे सप्ताह में जरूर ट्राई करिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि के लिए समय ठीक रहेगा। धन भाव यानी द्वितीय भाव में उच्च राशि के मंगल, शुक्र और शनि होंगे, इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत रहेगी। टेंशन होना एक अलग बात है, परेशान होना एक अलग बात है, लेकिन धन का आगमन होता रहेगा और आर्थिक लाभ आपको पूरा होता रहेगा। शेयर मार्केट जैसी गतिविधियों में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ में। शेयर मार्केट या जो भी ऐसी चीजें होती है जिसमें आज लगाया कल कमाया, लॉटरी वगैरह में लाभ हो सकता है, जोश आपका बना रहेगा। पर ध्यान रखिएगा, पैसों के लेन देन में कोई गलती मत करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कमाया हुआ धन कोई और ले जाए आपकी गलती से, या जोखिमपूर्ण कार्य बिल्कुल भी मत करिएगा। कारोबार और व्यापार में लाभ की प्राप्ति हो रही है, पहले से चल रहे कामों में तरक्की होने के योग हैं और तीसरे चौथे सप्ताह में तो जबरदस्त योग बनेंगे सफलता पाने के। व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, आपके आर्थिक प्रगति के रास्ते तीसरे चौथे सप्ताह में खुल जाएंगे। तीसरे चौथे सप्ताह में आप मार्केट में निवेश करके कोई बड़ा फायदा कमा सकते हैं, कोई कर्जे भी चुका सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में नए संपर्क बनाने की वजह से व्यापार बढ़ सकता है और नौकरी में भी आपके नए संपर्क बन सकते हैं, और नए संपर्कों के माध्यम से या दोस्त यारों की मदद से तीसरे चौथे सप्ताह में नौकरी में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रेम विवाह की बात करें या वैवाहिक जीवन की बात करें या प्रेम संबंधों की बात करें, तो यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आप किसी से अपने दिल की बात कह सकते हैं।
आप अपने दिल की बात सामने वाले को खुलकर कह सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। सिंगल हैं तो आप बहुत खुश हो जाएंगे इस महीने, क्योंकि आपको कोई ना कोई चाहने वाला मिल जाएगा। शादीशुदा लोग जो शादी कर चुके हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। शादी की जो लोग तलाश में हैं उनको मनचाहा पार्टनर मिल सकता है। आप अपने प्रेम को लेकर एक सकारात्मक रवैया अपनाएंगे। प्रेमी प्रेमिका में प्रेम में कोई गलत भावना नहीं होगी। आपका प्रेम एक तरफा नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा। पति पत्नी के रिश्ते जो हैं उसमें अच्छे समझौते के साथ, अच्छी बातचीत के साथ आप लोग रिश्ता निभाएंगे। घर वाले आपको देखकर प्रसन्न रहेंगे, घर वालों का आशीर्वाद मिलेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में इस महीने शुरुआत अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी अच्छा रहेगा, कोई नया संबंध स्थापित हो सकता है। और देखा जाए तो सब कुछ अनुकूल है प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में। एक दूसरे के साथ अच्छी बातचीत होगी, अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, लव मेट के साथ कहीं आना जाना हो सकता है। अब किसी को प्यार करते हैं तो उससे शादी की बात करके आप उनको मना सकते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी खबरें मिलेंगी। विवाह में आ रही अड़चने दूर हो सकती हैं, या कहें जिनकी शादी की उम्र है उनको एक साथ खूब सारे रिश्ते आ सकते हैं। यह समय अच्छा है जीवन साथी के साथ रिश्ते निभाने का, नए रिश्ते ढूंढने का, प्यार इश्क मोहब्बत में आगे बढ़ने का। अगर कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मामला रिश्तों में चल रहा है, पति पत्नी के बीच में चल रहा है, तो उसको निपटाने का भी एक अच्छा महीना रहेगा, जहां पर आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। रिश्तों में करीबियां बढ़ेंगी, एक दूसरे के साथ मिलकर वक्त बिताने का मौका बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध सुखमय रहेंगे और संतान का सुख भी प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें और आपकी सेहत की बात करें तो रिश्तों को लेकर आपको सतर्क रहना है, खासकर जो परिवार की आपके जो और रिश्तेदार हैं। किसी बात को लेकर बेवजह आप पे ताड़न कसा जा सकता है, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा। रिश्तेदार आपको कुछ होंगे जो आकर आएंगे घर में, उल्टी सीधी बात करेंगे, आपके प्रति गलत भावना रखने वाले रिश्तेदार आपको परेशान करेंगे, चुगली करेंगे। कुछ ऐसी ही गतिविधियां चलती रहेंगी तो घर वालों का रवैया आपके खिलाफ अलग हो सकता है। कई बार जो बुजुर्ग लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं या पुराने जमाने के लोग हैं, उम्र से या पढ़ाई से अगर उनका कोई मतलब अगर हम ना माने तो भी, अगर वो पुराने विचारों के हैं तो उन्हें नए विचारों वाली लड़कियों से, बहुओं से, बेटियों से तकलीफ हो सकती है। कुछ वक्त आप अपने रिश्तेदारों के घर बिता सकते हैं, रिश्तेदारों के घर आना जाना हो सकता है। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा लेकिन छोटी मोटी आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। परिवार में सहयोग की भावना रहेगी। कुछ बुरा वक्त आएगा तो सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और आप में से कुछ लोग ये करेंगे कि परिवार में मुखिया बनने की कोशिश करेंगे, छोटे हैं लेकिन बड़े बनने की कोशिश करेंगे, परिवार में अपनी धौंक जमाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आप धोखा खा जाएंगे। विवादों से छुटकारा मिलेगा। वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध अच्छा होने की वजह से पति पत्नी परिवार के अन्य लोगों को समझाएंगे, बच्चों का साथ आपको मिलेगा, भाई बहन से दूरियां थोड़ी कम होंगी, भाई बहन का सहयोग उतना नहीं मिलेगा फिर भी दिल की दूरियां थोड़ी कम होंगी, तो आप कोशिश करेंगे कि आपका परिवार एक अच्छे मार्ग पर चले। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है लेकिन फिर भी छोटी मोटी जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे 5-10 मिनट की लड़ाई या झगड़ा या रूठना मनाने की प्रक्रिया के बाद सब कुछ सामान्य होगा और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ समय के लिए आप लोग घूमने फिरने भी जा सकते हैं, परिवार के लोग रिश्तेदारों के घर जा सकते हैं, शादी ब्याह में 2-4 दिन रिश्तेदारों के घर भी बिता सकते हैं और इस वजह से पति पत्नी को मौका मिल जाएगा और करीब आने का। स्वास्थ्य के अनुसार यह महीना अच्छा नहीं है, कोई दुर्घटना हो सकती है, पैसों का नुकसान हो सकता है लापरवाही की वजह से कम इस माह में आप ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अनावश्यक चीज़ें मत खरीदिएगा। अनावश्यक चीज़ें खरीदने से पैसा खर्च होगा और पैसे से चिंताएं बढ़ती हैं, जब पैसा खर्च होता है तो तकलीफ हो सकती है, सांस के रोग जिनको है उनको परेशानी हो सकती है, नींद ना आने की समस्या बढ़ सकती है और इसके अलावा आँखों में जलन हो सकती है और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर है या अस्थमा की बीमारी है या सांस से संबंधित कोई बीमारी है तो वहाँ पर तकलीफ बढ़ सकती है या पॉल्यूशन की वजह से कुछ हो सकता है, तकलीफ बढ़ जाए तो इसकी वजह से आपको ये परेशानियाँ हो सकती है इस समय में, जिनको है उनको और सतर्क रहना होगा। और इस समय में खान पान का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि बाहर आना जाना बहुत होगा जिसकी वजह से खान पान बिगड़ सकता है, कोई नई बीमारी पेट की जन्म ले सकती है। पौष्टिक और अच्छा भोजन करें और काम से समय निकालकर अपनी मानसिक तनाव की मुक्ति के लिए योग प्राणायाम करें
और अपने घर की बड़ी बुजुर्गों की भी सेहत का ध्यान रखें और स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव तीसरे चौथे सप्ताह में पड़ेगा। पहले दूसरे सप्ताह में आपको अपना और अपने बड़े लोगों का स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और अपने घर के बच्चों पर भी नजर बनाकर रखनी होगी स्वास्थ्य के मामले में। बात करें शिक्षा और करियर की यानी बच्चों की, तो मीडिया या पत्रकारिता क्षेत्र में जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं या सोशल मीडिया से जुड़कर टीवी रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है। कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, आपके कोई आपके चैनल्स वगैरह हैं तो वहां पर अच्छे प्रमोशंस मिल सकते हैं आपको। आप ध्यान दीजिएगा, ये वक्त आपके लिए बहुत बढ़िया है जो भी जनता से जुड़ने वाला काम करते हैं। इंजीनियरिंग के छात्र अपने प्रोजेक्ट को लेकर थोड़े से आशंकित रह सकते हैं। डॉक्टरों के लिए एक अच्छा समय रहेगा, जो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर हैं पहले से, उनके लिए अच्छा रहेगा। जिनकी कोचिंग वगैरह है वो लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। इस समय में आप पढ़ेंगे भी और लोगों को पढ़ाएंगे भी। स्कूल में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अभी स्कूल नया नया जाना शुरू किया है, थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा। कोचिंग वगैरह अगर आप कोई पढ़ते हैं तो अच्छा टीचर मिल जाएगा, अच्छे टीचर या अच्छी कोचिंग मिल जाएगी जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपके नंबर अच्छे आएंगे। किसी कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिल जाएगी और आपको अच्छी सलाह मिल जाएगी कि कब क्या कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करियर आपके लिए बेस्ट है, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। हनुमान जी की उपासना करते रहिए, गणेश जी की उपासना करते रहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए और माथे पर और नाभि पर केसर का टीका लगाइए, लाभ ही लाभ होता चला जाएगा। मार्च के महीने में भगवान शिव शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपको खुशियां ही खुशियां देंगे और आपको कम से कम 80 से 85% शुभ परिणाम इस महीने में मिल रहे हैं। तो एंजॉय करिए, खुशियां मनाइए और जी जान से जुटिए। ये वक्त आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। छोटी मोटी परेशानियों को अगर आप समझ गए और उनका हल निकाल लिया तो आपके लिए रास्ता साफ है सफलता का। और फिर भी कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।